हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को फिर से मेरा चैनल तहरन कुकिंग पर स्वागत है। आज मैं आपको बना कर दिखाऊंगी कंचे मछली का कैसे करी बनाते हैं। दोस्तों, कंचे मछली का करी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसानी तरीका है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके पास के बेल घंटी को बजा दीजिएगा। दोस्तों, मैंने 1 किलो रोही मछली का फीस लिया है। मैंने 4 मीडियम साइज का प्याज लिया है और उसको मैंने चॉप साइज में काट दिया है। 3 टमाटर, हरी मिर्ची 5 लिया है, इसको मैंने लंबा साइज के बीच में काट दिया है। 1 पुटली लहसुन लिया है, इसको मैंने छिलका निकाल दिया है। मेथी 1/2 चम्मच, 2 इलायची और थोड़ा मीठा लकड़ी लिया है। 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया और मैंने थोड़ा मेथी पत्ता लिया है और मैंने थोड़ा इमली लिया है। दोस्तों, हम इमली को बोल में डाल के आधा गिलास पानी डाल के उसका हाथ से अच्छा से निचोड़ेंगे। दोस्तों, हमने इमली को अच्छे से निचोड़ दिया है और उसका छिलका निकाल देंगे। हाथ में अच्छे से छिलका नहीं आता है तो छोटा छोटा टुकड़ा रह जाता है, उसको हम एक छन्नी से छान लेंगे ताकि हमारा इमली का पानी अच्छे से साफ हो जाए। दोस्तों, हमारा इमली का रस निकल गया है, अब इसको हम रख देंगे। और दोस्तों, हमने जो मसाला लिया है, लहसुन जीरा और धनिया, ये सबको डाल के हम पॉट में डाल के पेस्ट कर देंगे। हम टमाटर को पॉट बना के पेस्ट देंगे। तो हमारा टमाटर प्यूरी हो गया है। हम गैस ऑन कर देंगे, कढ़ाई बिठाएंगे। हमारा कढ़ाई गर्म हो गया है, हम सरसों का तेल डालेंगे। दोस्तों, मैं यहाँ सरसों का तेल डाली हूँ 50 ग्राम। तेल गर्म हो गया है, हम प्याज डाल देंगे। हमको यहाँ सभी के सभी प्याज को डालना है। प्याज डाल के उसको हम अच्छे से भूनेंगे। दोस्तों, हम प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। हमने हरी मिर्च काट कर रखे थे, उसको भी डाल देंगे। प्याज के साथ हम इसको भूनेंगे। कश्मीरी मेथी पत्ता रखे तो उसको भी डाल लेंगे। प्याज साथ उसको भी हम फ्राई करेंगे। दोस्तों, हमारा प्याज आज कच्चा है। हम अच्छे से प्याज को पकने के लिए हम 5 मिनट ढक के रख देंगे और 5 मिनट बाद उसको देखेंगे हमारा प्याज किस तरह है। दोस्तों, हमारा प्याज अच्छे से हो गया है। हम इसे सूखा मसाला पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, कश्मीरी चिली पाउडर 2 चम्मच, दोस्तों मसाला को हम 2 मिनट के लिए से भूनेंगे। भुनने के बाद हम टमाटर प्यूरी को डालेंगे। दोस्तों, हम टमाटर प्यूरी को 5 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। दोस्तों, हमारा टमाटर हो गया है, मछली को उसके ऊपर डाल देंगे।
सारे मछली को हमने डाल दिया है। अभी मछली के ऊपर इमली का पानी डालेंगे। दोस्तों हम गैस को हाई में रखेंगे। मछली में दो चम्मच नमक डालूंगी। दोस्तों आप अपने हिसाब से नमक डालिएगा। हम नमक डाल के हम धीरे धीरे करके मछली को हिलाएंगे ग्रेवी में नमक अच्छे से घुलने के लिए। दोस्तों मैं यह एक गिलास पानी डालूंगी। मछली अच्छे से पकने के लिए हमको एक गिलास पानी डालना है। दोस्तों हम 10 मिनट के लिए गैस में बिठाएंगे। हमारा 10 मिनट हो गया है। दोस्तों हमने पेस्ट करके रखे थे मसाला को हम मछली में डालेंगे। पेस्ट को डाल के हम धीरे धीरे करके फिर से हम हिला देंगे तो ग्रेवी में पेस्ट अच्छे से घुलने के लिए। मसाला अच्छे से कुक होने के लिए फिर से 5 मिनट बिठाएंगे। दोस्तों 5 मिनट हो जाने पर हम चेक करेंगे नमक अच्छे से गिरा कि नहीं। दोस्तों मैं यहाँ थोड़ा नमक डालूंगी। मैं धनिया पत्ता काट करके था उसको भी डाल दूंगी। दोस्तों मेरा मछली बन के तैयारी हो गया है। हम इसको अभी ढक के गैस को बंद कर देंगे। दोस्तों आपको मेरा रेसिपी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा। अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़। बाय।